Good evening, friends. I'm Vinod Rawat and you are watching me on Rawat Classic Jodhpur. आज मैं आपके सामने एक फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज लेके आया हूँ. एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ऐसा कोई एग्जाम नहीं आता जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स ना आए, और मेरे ख्याल से आप मेरे से सहमत भी होंगी. तो फिल इन द ब्लैंक्स में करना क्या पड़ता है? फिल इन द ब्लैंक्स को कभी सेंटेंस कंप्लीशन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें ब्लैंक होता है, उसमें आपने जो एप्रोप्रिएट वर्ड चुना उससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. तो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स में एक तो आपकी वाकैब अच्छी होनी चाहिए. तो कोई मैं आपको पूछूं आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो फिल इन द ब्लैंक्स में एक तो मैं आपको कहूँगा, एक सेकेंड ना, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में एक तो इसमें जो आपके काम आएंगे, यानी क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी, तो उसमें एक चीज़ होगी आपकी, क्या ना, आपका योर साउंड वोकैबुलरी. अरे यार क्या हो रहा है, योर साउंड वोकैबुलरी, ये इसका प्रयोग होगा. एक तो इसका प्रयोग होगा कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए. लेकिन साउंड वोकैबुलरी के अंदर क्या चीज़ होगा, खाली शब्दों का अर्थ नहीं जानने से नहीं होगा, उनका कोलोकेशन आपको आना चाहिए. ना कोलोकेशन का अर्थ होता है कि कौन सा वर्ड किसके साथ में जाता है, विच वर्ड गोज विथ विच वर्ड. ये बहुत जरूरी होता है आप जानना. एक तो इसका इस्तेमाल हो गया आपका, इसमें अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो उसमें इसकी भी कभी आ जाते हैं, मैंने भी डाले इसमें इडियम फ्रेजेस के, एक आता तो ईडियम फ्रेज का आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए. अगेन आई विल से दैट यू शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस. हल्का भुल्का नॉलेज से काम चलेगा. और इनकी संख्या भी कम नहीं होती है, ये भी बहुत सारे होते हैं, तो जितने ज़्यादा आप सीखोगे उतना आपका काम चलेगा. ये दूसरा पॉइंट ये है. और तीसरा इसमें बच्चों ग्रामर का प्रयोग भी है, यूज ऑफ ग्रामर, ये भी है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. इसमें मैंने भी शायद दो तीन दिए हैं इसमें जिसमें ग्रामर का इस्तेमाल है. ग्रामर के का ज़्यादा जो प्रयोग है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर. और बाई चांस अगर कोई प्रेपोजिशंस ने आर्टिकल्स वगैरह भी आ गए हैं, है ना, तो उसका भी ऑपरेशन हो जाएगा. जितने भी ग्रामेटिकल ये चीज़ें हैं, एक तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और दूसरा करेक्ट यूज ऑफ ग्रामेटिकल वर्ड्स एंड यूनिट्स. वोकैब अलग चीज होती है, ग्रामेटिकल वर्ड्स अलग होते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है ना. जैसे आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, कंजक्शंस हैं, ठीक है, प्रोनाउंस हैं, तो इनका प्रयोग आपको ग्रामेटिकल आना चाहिए. इसमें तो कोई वोकैब होती नहीं, वोकैब तो चार चीज़ें बनती है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब से. तो ये बेसिक चीज़ें ये हैं. और एक और चीज़ चाहिए, वो है आपका प्रैक्टिस. एक और चीज़ चाहिए, वो है आपका रीडिंग. तो आपको डाइवर्स रीडिंग करनी है. डाइवर्स रीडिंग का अर्थ होता है अखबार में पढ़ो, मैगजीन में पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, दुनिया भर की किताबें मार्केट में हैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, क्या ना, आपका पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इनको पढ़ना पड़ता है. उसके आप उससे आपकी जो रीडिंग है वो इम्प्रूव होती है, कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होता है, और सब चीज़ें होती हैं. आपने वो क्या भी अच्छी होती है कि कोई आदमी किस तरह से अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है, वो भी आपको सीखने का मौका मिलता है. मैं भी पढ़ता रहता हूँ, आजकल मैं ये पढ़ रहा हूँ, बहुत पहले पढ़ी, मैं पढ़ नहीं पाया. द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नॉर्मन विंसेंट पील की. और मैं सोच रहा था इसमें से एक दो आपके एग्जाम्स निकाल दूँ, खूब सारे आपको मौके भी एक तो अच्छी होनी चाहिए हम लोगों, इसमें से एक एग्जाम्प निकालूँ और उसमें फिर आपको मैं जैसे उसका द हिंदू का कराता हूँ आपको एनालिसिस, तो इसका एक पेज निकाल के उसका भी एनालिसिस कराऊँ आपको, ठीक है. ज़रूरी है कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स हों, बहुत ही बड़े बड़े खतरनाक वर्ड्स हों जो आपको कई बार हिंदू में मिलते हैं, और वो भी हमेशा नहीं मिलते हैं. आपने देखा होगा कि मेरे जब भी मैं आपके सामने ये इसका हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस लेके आता हूँ, कभी कभार तो उसमें बड़े बड़े शब्दों की भरमार होती है,
अभी जो मैंने पिछले दो घंटे का एक वीडियो डाला था, और अनफॉर्चुनेट बात देखो क्या है, उसको आपने देखा ही नहीं बच्चों, आप कमाल हो गया यार, आप मजा नहीं करूँ, देखा ही नहीं, बहुत कम लोगों ने उसको देखा है। दो घंटे का वीडियो, मेरे कितनी मेहनत लगी होगी, और उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी आ रही थी। एनीवे, वो तो आपकी मर्जी, आप देखें ना देखें, मुझे अपना काम करते रहना है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज में हम चलते हैं आगे, ठीक है। डायरेक्शन लिखा हुआ है, चूज एप्रोप्रिएट वर्ड और वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द सेंटेंसेस। तो जो भी सेंटेंस में आपके दे रखे हैं, इसका जो करने का तरीका है उसमें ज़्यादा कोई टेक्निक नहीं है, बस इस सेंटेंस को एक बार आप पढ़ लें, सी कैप्ट, और उसको ब्लैंक को ब्लैंक के साथ पढ़ें, डैश लगा बोल दें उसमें, सी कैप्ट वेटिंग फॉर हिम इन द डैश होप। क्या पता आपको होप के साथ में जो कोलोकेशन बन रहा है, ठीक है, वो आपको दिमाग में, जैसे कहता ना आपका, इट मे रिंग द बेल, ये एक बार फ्रेज भी कराया था मैंने, आप द प्लस बीच में नेचुरली आपका एडजेक्टिव आएगा, और उसके बाद में होप उसमें आपका नाउन है। सी कैप्ट वेटिंग फॉर हिम इन द होप दैट वन डे ही वुड रिटर्न टू हर। अब इसमें जो सेंटेंस की बनावट है, उसे लग रहा है कि कोई किसी का इंतजार कर रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे उसका इंतजार कभी ख़त्म होगा नहीं शायद। अब जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनको पता है इसमें कि वेन और फोलोन वर्ड जो हैं, और इसमें आपका टेस्ट कम है, आपको सिखाने के लिहाज से मैंने इसको, अगर मैं चाहता है इसको मैं टफ बना सकता था क्वेश्चन को, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है उसमें आपको पढ़ाने का है, इसको टप बनाने का नहीं है, ध्यान रखना। तो आपको कह रहा हूँ, और इसमें से आपको मैं कई बार कहता हूँ, वो भी तुम करते नहीं हो बच्चों, मैंने आपको 20 बार कहा हुआ है कि जब भी आपको कोई अच्छा सा कोलोकेशन मिलता है, उस कोलोकेशन को लिखें आप, उस कोलोकेशन को लिखें, उसका मीनिंग अपना साथ में लिखें, और उसका एक सेंटेंस लिख दें साथ में। मैंने कितनी बार बताया आप लोगों को ही, एक सेकंड बताता हूं अभी आपको, एक सेकंड। इसमें लिखे हैं सीरियल नंबर, ठीक है, इसमें लिखे हैं कोलोकेशंस। अब कई लोगों को पता भी नहीं कोलोकेशंस होते क्या हैं, तो उन्होंने लिखा है कोलोकेशंस आर वर्ड्स विच जनरली गो टूगेदर, इस वर्ड के साथ में ये चाहता है, समझ रहा हूँ आप, और ये पढ़ने से आते हैं। हाँ, कभी आपको चेक करना हो तो डिक्शनरी में कर लें, तो कोलोकेशन लिखें, उसका मीनिंग लिखना चाहें तो लिख दें, और फिर उसका एक सेंटेंस लिख दें। चलिए लिख दें, ये तरीका होना चाहिए करने का। एक बार थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर दूं आपको, जैसे मैं इसी फोलोन का लिखूं, और एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कोलोकेशन है अ फोलोन होप, और जैसे स्पेलिंग गलत हो गई, देखो आप मेरे से रेड लाइन लगी, और इसीलिए मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, लिखते समय कभी गलती हो जाती है, ठीक है ना, कंप्यूटर गलती हो नहीं सकती, आप ग्रामेटिकल एरर ग्रीन लग जाएगा, हालांकि अभी कंप्यूटर इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं कि आपकी बारीकियाँ निकालते हैं ग्रामर के एरर की, लेकिन मोटी मोटी तो निकाल ही देते हैं। फिर इसका मीनिंग लिखो, ठीक है ना, आई होप विच इज नॉट गोइंग टू बी फुलफिल, ये इसका मीनिंग होता है, इसमें आया ना आपका। एक ओल्ड लेडी है, व्यूजन लिख दो, ओल्ड लेडी इज living in the forlorn hope that one day her son would come back. दिल मत लगाना, सेंटेंस पास्ट टेंस में, और सेंटेंस पास्ट टेंस में नहीं भी है तो ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, इसलिए इसमें वुड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हो गया, इसका सेम प्रयोग है, ठीक है ना आपका, इन ए वेन हो सेम, और मैंने इसके खूब प्रयोग दिए हैं बहुत सारे आपके, तो ये आपके कोलोकेशन इकट्ठे करने का तरीका है। अभी आपने बनाना है, मैंने नहीं बनाना है, ध्यान रखना आपको, ठीक है।
तो मेरे को आंसर आपको मिल गया, शी केप्ट वेटिंग फॉर हिम इन दी फॉरलोन या वेन होप. ठीक है, वेन तो 20 बार आपके एग्जाम आया हुआ है. शी ट्राइड वेनली टू सेव द चाइल्ड. ठीक है, आप ये मेड अ वेन अटेम्प्ट टू सेव द चाइल्ड. वेन अटेम्प्ट का तो होता है अबोर्टिव अटेम्प्ट विच वॉज नॉट गोइंग टू सक्सीड. आई होप सबको समझ आ गया. तो इसमें आपके दोनों का, इसमें फोरलोन भी आ सकता है, वेन भी आ सकता है. वेन के मैंने बहुत सारे इसमें आपके प्रयोग दिए हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको. ये आपको आपका टेस्ट नहीं, एक्चुअली ये आपको सिखाने के लिहाज से मैंने ये बनाया है. ओके, आप देखो नीचे वाले सेंटेंस में ग्रामेटिकल प्रयोग है प्रेपोजिशन का. कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता आपका सेंटेंस है. इफ़ यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी, ऊपर वाला क्लियर हो गया बच्चों को, नहीं हुआ? फोल्ड ऑन होप और वेन होप का होता है ऐसी होप जो कभी पूरी नहीं होगी. ठीक है ना, जिसकी पूरी होने की संभावना है ही नहीं. सेकेंड सेंटेंस को पढ़ो. इफ यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी, ठीक है, यू शुड कीप एन एटलस डैश हैंड. अब क्या कहोगे, एट कहोगे, नियर कहोगे, ऑन कहोगे? तो इसमें आप दोनों कह सकते हो, एट हैंड या ऑन हैंड. इसका मतलब पास में रखना. कई बार मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को कि मैं उनको डिक्शनरी दिखाऊं, उससे फायदा ये होता है बच्चों कि किसी गलती होने के चांसेस नहीं रहते. मैं आपको बता रहा हूँ, अब है नहीं, मुझे पता नहीं ऐसा होगा शायद. हाँ है, देखो आप और आप ऑन हैंड भी कह सकते हैं. मैं आपको वो भी बताता हूँ, एक सेकेंड. ऑन हैंड तो मेरे पास में सुविधा है ना, तब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो कैसे दिखाऊंगा आपको, मुझे बताओ आपका. ये देखो, ये भी कोलोकेशन के रूप में डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब दोनों ऑप्शन आपको आने चाहिए आपके सामने. ये डिक्शनरी का है, ध्यान रखना, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड दोनों मिलेगा आपको, ये ऑन हैंड या टू हैंड. और मिनी क्या लिखा, नियर टू, नियर टू समवन और समथिंग एंड रेडी टू हेल्प और बी यूज्ड इफ नेसेसरी या बी यूज इफ नेसेसरी. तो अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो एटलस आपके नज़दीक होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सको. और ये देखो, ये एटलस का सेंटेंस रहेगा, फॉर दोज ऑफ यू डोंट हैव एन एटलस टू हैंड न्यू कैसल. अब इसको मतलब क्लास में किसी ने कहा होगा, भाई जो लोग जिनके पास में एटलस नहीं उनको बता दूँ कि न्यू कैसल जो सिटी है, ठीक है, आपका इज अ सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड. क्वेश्चन बता रहा है, आप समझ आ गया आपका? तो इसमें दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना. इफ यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी यू शुड कीप एन एटलस एट हैंड और ऑन हैंड. तो इसका आंसर हो जाएगा अगेन सी, ए और बी दोनों, ठीक है ना. नियर हैंड नहीं होते, नियर हैंड नहीं, या तो बोलो नियर बाई, यू शुड कीप एन एटलस नियर बाई. हैंड वैंड की जरूरत नहीं फिर आपको, ध्यान रखना, ठीक. अगर नियर का इस्तेमाल करना तो क्या कहते हैं आप, नियर बाई, फिर हैंड नहीं लगाना, ठीक है ना. कभी ये सवाल आपके उसमें आ सकते हैं, सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में. तो मतलब आपको नॉलेज ठीक होना चाहिए, सवाल कैसे भी आए. मैं इसका आपको सवाल बना के बताता हूँ, एक सेकेंड, मेरे दिमाग में आया तो आप बता दूँ आप. सपोज करो ये था आपका बाय हैंड, ठीक है. अब मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया बच्चों, ठीक है. अब इस पता आपको ये सेंटेंस कैसे बन गया, ये सेंटेंस बन गया आपके सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन का, सेंटेंस रिप्लेसमेंट का, है ना आपका. तो उसमें क्या होता है आपको पता ही है, उसमें सेंटेंस का एक पार्ट अंडरलाइन होता है और आपको कहा जाता है कि अंडरलाइन पार्ट अगर जैसे दिया गया वैसे सही हो तो आंसर होगा NCR, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, है ना आप, ठीक. लेकिन ये गलत है, बाई हैंड नहीं होता है. बाई हैंड को किसको देना होता है, बाई हाथ से. I'll give it to him by hand. हाथ से दूंगा, यानी इन पर्सन जाके दूंगा. ये तो गलत हो गया, ये तो आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है. बी ऑप्शन मैंने लिखा, यू शुड कीप एन एटलस नियर बाई, ये भी ठीक हो जाएगा ना. लेकिन हैंड नहीं आएगा इसमें, नियर बाई हैंड नहीं, नियर बाई, क्योंकि वो फ्रेज है. And you should keep an atlas at hand. ये भी करेक्ट है.
डी ऑप्शन आपका आ गया, ऐसे मैं बार बार नहीं बताऊंगा ऑप्शन, मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ऑन हैंड ये भी करेक्ट हो गया, तो आंसर आपका ई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ई। क्या होगा आंसर ये में, बी सी और डी सब है ना, बी कॉमा सी एंड डी, क्योंकि तीनों सही हैं। यू शुड कीप एन एटलस नियर बाय, यू शुड कीप एन एटलस एट हैंड एंड यू शुड कीप एन एटलस ऑन हैंड। नॉलेज वही है बच्चों, एग्जाम में जैसे आएगा वैसे आप आराम से कर सकते हैं, तो इसको बहुत सीरियसली पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन में आइए, सी ट्राइड डैश टू टॉक टू हिम डैश इट बट ही डिड व्हाट ही वांटेड टू डू। पहले ऑप्शन का लगाओ, ठीक है ना, सी ट्राइड वेनली टू टॉक, ये इसमें टू है, हाँ ध्यान रखना, टॉक टू हिम गलती से रह गया, सी ट्राइड वेनली टू टॉक टू हिम, नहीं सॉरी सॉरी टू नहीं हो सी है, आगे फ्रेज आ रहा है, सी ट्राइड वेनली, समय आ गया कि बेकार में उसने बात की, मानी तो नहीं उसने आपका, ये तो बिल्कुल ठीक है, फिर टू टॉक हिम आउट ऑफ इट, रिगेटिव पॉइंट, तो ये एक फ्रेज है, टू टॉक समबडी आउट ऑफ समथिंग का अर्थ होता है, आउट ऑफ समथिंग का अर्थ होता है टू परसुएड समबडी नॉट टू डू समथिंग, नहीं समझे आपको, एक लड़के ने कहा मैं इसको किसी दूसरे लड़के को पीटूंगा, आपने आपके दोस्त है वो, आपने कहा यार ये तो समझाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, आई ट्राई टू टॉक हिम आउट ऑफ इट, इसका मतलब क्या हुआ, आई ट्राई टू परसुएड हिम नॉट टू डू इट, समझ आ गया आपके, तो ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे चेक कर लो, सी ट्राइड ऑनेस्टली टू टॉक हिम आउट ऑफ इट, टू टॉक हिम फ्रॉम इट, जमा नहीं तो कट गया बी आपका, सी ट्राइड फ्रेनेटिकली टू टॉक हिम आउट ऑफ इट, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना, सेंस नहीं है इसमें, सेंस ये आना चाहिए कि उसने बात की लेकिन बात का उस पर असर नहीं पड़ा और फिर उसने जो चाहा वो किया, पॉइंट फ्रेनेटिकली का अर्थ होता है वेरी फास्ट इन एन अनकंट्रोल्ड वे, ठीक है, जैसे एकदम बारिश आ गई तो पीपल रैन फ्रेनेटिकली, जैसे होता है ना फ्रेंटिकली, इसका प्रयोग मैंने आगे भी दे रखा आपका, यह बहुत अच्छा वर्ड है, सबको आना चाहिए फ्रेनेटिकली, और ये आपका एडजेक्टिव है फ्रेनेटिक, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, फ्रेनेटिक दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप भी पढ़ते समय डिक्शनरी खोल के रखें, आपको ये बता रहा हूँ, अगर कोई एक्टिविटी चल रही है विच इज फ्रेनेटिकली गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन वेरी फास्ट विदाउट एनी कंट्रोल, इट इज अनकंट्रोल्ड, मेरे पास में डिक्शनरी वगैरह नहीं हो और इसमें मैं दिखाना नहीं हो आपको तो कैसे काम चलेगा, ये देखो ये फ्रेनेटिक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट एक्टिविटी एक्सट्रीमली एक्टिव एक्साइटेड अनकंट्रोल्ड, ठीक है, आफ्टर वीक्स ऑफ फ्रेनेटिक एक्टिविटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी दुनिया भर की कार्रवाई चली, सीबीआई अब जाके मुंबई पहुंची है ना आपका, और नई नई बातें उसमें निकल के आ रही हैं, आफ्टर वीक्स ऑफ फ्रेनेटिक एक्टिविटी द सीबीआई फाइनली स्टार्टेड प्रोबिंग सुशांत केस राजपूत मर्डर केस, ठीक है ना, आ गया फ्रेनेटिक नहीं, ऐसी एक्टिविटी जो बहुत तेजी से चल रही हो, सब लोग उसमें एक्साइटेड हों, और ये ऐसी हो जैसे अनकंट्रोल्ड हो, और इसका एडवर्ब है, इसका एडवर्ब हो गया फ्रेनेटिकली, देखिए इसके अंदर फिट नहीं बैठ रहा बच्चों, ये दिस वर्ड डज नॉट फिट हियर, क्योंकि इसमें आपको कैसे वर्ड चाहिए कि उसने ये उसे बात की लेकिन उसको वो उसको न करने के लिए मना नहीं पाई, ये चाहिए आपको, है कि नहीं आपको, तो इसमें वेन वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, सी ट्राइड वेनली, ठीक है, अब ये फोरलोन का इसमें प्रयोग नहीं आ सकता, ठीक है, सी ट्राइड वेनली टू टॉक हिम आउट ऑफ इट बट He did what he wanted to do. इसमें चाहो तो आप यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हो क्योंकि आगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है, आई होप बच्चों समझ आ गया, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत सारी है, मैंने क्या क्या कराएं, और फिर तुम कोई मेहनत करके बनाता है, मैंने कितनी मेहनत लगी इसमें आप बताओ,
ये मैंने कोई किताबों से नहीं उठाई है, आज ही बनाई है, ठीक है ना। फोर्थ में देखो आपका किताब मिलेगी नहीं आपको, मेरे शर्त है आपको मिल जाए किसी अंदर ये एक भी सेंटेंस। दे सम हाउ डैश द डैश ऑफ द डैश विंटर ओनली टू बी डैश बाई अ साइक्लोनिक स्टॉर्म। अब आपको समझा रहा हूँ, इसमें वॉकेब भी है और ओनली का प्रयोग भी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ओनली का प्रयोग आया ना बच्चों, तो आपको बता रहा हूं, अगर आपको ओनली का प्रयोग, ओनली के बहुत सारे प्रयोग हैं, ओनली एडजेक्टिव है, ओनली आपका एडवर्ब है, इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, ही एडजेक्टिव है आपका आपका, एंड ही ओनली सेड हेलो, उसने केवल हेलो बोला, बाकी कुछ नहीं कहा उसने, बड़ा लिमिटिंग वर्ड है ये। और ये जो आपका प्रयोग मैंने इसमें किया ओनली का सेंटेंस के बाद में, इसका अर्थ हुआ तो कुछ हुआ, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जो पहले वाले के साथ में मैच नहीं करता है। मैं आपको समझाता हूं, एक और इस क्वेश्चन नंबर फोर में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा ना इसमें ग्रामर का प्रयोग भी है, इसके सेंटेंस के लास्ट में ओनली आ रहा है, ओनली के कभी आपको और भी प्रयोग समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ओनली जब सेंटेंस के अंत में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ना, तो ओनली में पहले कही गई बात की कंट्रास्टिंग बात आती है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो जब ये आता है तो अगर आपको ये नॉलेज है तो आप इसमें पहले वाली बातों के नेगेटिव बात कहेंगे, ये पहले पॉजिटिव, देखो उसने एंड्योर किया, रिगर्स को सहन किया, वेदर बड़ा इंक्लेमेंट था, ये सब सहन किया, हो गया इनका, लेकिन वो डिवास्टेट हो गया, उनका सत्यानाश हो गया आपका, ठीक है ना, इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसने सहन किया, टफनेस थी, हार्स था, कुछ भी था, और रेस्क्यू हो गए, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये समझा रहा हूँ, एक मैं अलग सेंटेंस देता हूँ उससे आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए इसको। एक आदमी को कैंसर था या कोई और सीरियस बीमारी थी, तो अमेरिका गया या जर्मनी गया, ठीक है ना, और वहाँ मौत के बहुत करीब पहुँच के भी वो ठीक हो गया, 4-5-6 महीने लग गए, ठीक है। ही स्पेंट इन जर्मनी, स्पेंट 5-6 मंथ्स इन जर्मनी एंड गॉट हिज कैंसर ट्रीटेड कंप्लीटली। यहां से सुना मेरी बात को, हाँ बच्चों, और उसने कंप्लीटली जो है आपका कैंसर को अपना ट्रीट करा लिया, मतलब ठीक हो गया हो, ठीक है। अब मैंने कंट्रास्ट बताना है, एंड केम होम, घर आ गया यानी इंडिया आ गया। अब मैं कंट्रास्ट, ओनली टू बी किल्ड इन एन एक्सीडेंट, बताओ, इसको भाग्य की विडंबना कहते हैं, आयरनी कहते हैं आप। तो क्या हुआ, 5-6 महीने जर्मनी गया, बहुत तबीयत खराब थी, कैंसर ठीक हो गया और घर आ गया, और उसके बाद में एक्सीडेंट में मारा गया। ये जो ओनली का प्रयोग है ना, ये एक स्पेशल प्रयोग है। कई बार ग्रामर पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते, हालांकि मैंने पढ़ाया है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी ने एक क्लास में इसको पढ़ाया, ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया, ठीक है ना, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आप इसको, इसका प्रयोग देखो इसके अंदर, दे समहाउ, अब पहला ऑप्शन देख लो आपका, एंड्योर द डैश ऑफ द, एंड्योर द सहन करना होता है, रिगर्स का होता है उसकी कठिनाइयां, हार्शनेस, रिगर्स ऑफ दी इंक्लीमेंट भी बिल्कुल ठीक है, इंक्लीमेंट वेदर, ये सब शब्दों की कोलोकेशन है कि विंटर के साथ में क्या लगाओगे, विंटर के साथ में इंक्लीमेंट आ सकता है, हार्स आ सकता है, बाइटिंग भी आ सकता है, फ्रीजिंग भी आ सकता है, सब आ सकते हैं, ठीक है, ये कहीं और काम आएंगे आप। टॉलरेटेड द टफनेस ऑफ द हार्श विंटर ओनली टू बी रेस्क्यूड, ये नहीं बैठ रहा है सदर, बाकी सब ठीक है, ये आपने समझना है, क्योंकि मैंने कहा था ओनली के अंदर जो आपका शब्द आएगा वो थोड़ा सा कंट्रास्टिंग शब्द होगा। इसको देखो आप, दे समाओ पुटअप, पुटअप तो नहीं आएगा, अगर पुटअप के साथ में विथ भी होता ना आपका तो हो जाता, पुटअप विथ का अर्थ होता है सहन करना, यह भी सहन करना है, ये भी सहन करना है, ये पुटअप नहीं होगा,
तो पहला अगर ठीक नहीं बैठेगा, पुट अप द नहीं होता है, पुट अप विद द, पुट अप विद द हार्डशिप, क्योंकि हार्डशिप है ना आपका, तो इसमें हार्डशिप, ये हार्डशिप आ जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ सब प्रश्न समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पुट अप अकेला नहीं आएगा, पुट अप अकेला नहीं आएगा, पुट अप विथ होता ना तब ये आ सकता था, आगे आया नहीं आया वो अलग बात है। दे सम हाउ पुट अप द, ये नहीं बैठ रहा है तो इसको काट दो। दे सम हाउ सेव फ्रॉम, सेव्ड एक ट्रांसिटिव हो गया, इसके आगे कोई ना ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, या तो ये पैसिव फॉर्म में होता, दे वर सम हाउ सेव फ्रॉम, ऐसा होता, तो ये दो ऑप्शन तो पूरी तरह से कट गए, ये कट जाएंगे आपके। ठीक है, मैं इनको आपको एक बार बता देता हूँ रेड से कि ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल बेकार हैं, ये तो नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो कट गए। ठीक है, अब बच गए ए और बी। अब उसके अंदर मैं आपको बता दिया है कि इसने सहन किया वेदर की टफनेस को, उसकी हार्श का अगेन मतलब बहुत ही सख्त तो आपकी ठंड, लेकिन ओनली टू बी रेस्क्यूड नहीं आ सकता, इसमें कोई आपको अपोजिट वर्ड लगाना पड़ेगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाया, इसलिए जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ना आपका, वो आपका ये होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब इसको दोबारा पढ़ो आप। दे सम हाउ कैसे करके दे एंड्योर्ड द रिगर्स ऑफ द इंक्लेमेंट विंटर, इसका अर्थ क्या होगा? जैसे तैसे करके उन्होंने जो आपका बहुत ही भयंकर सर्दी था, उसकी जो रिगर्स थी, उसकी डिफिकल्टीज थी, उनको उन्होंने इंड्योर किया, only to be devastated by a cyclonic storm. लेकिन क्या हुआ फिर? एक cyclone storm आया और उनका सब कुछ बर्बाद करके वो चला गया। Devastate का तो होता है to destroy completely, ठीक है ना? Are you getting my point? इसमें rescued नहीं आ सकता, इसलिए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप कि मैं आपको समझा पाया, और जो मैंने सेंटेंस दिया उसमें भी ध्यान रखना, कॉपी में उतारना उसको, ठीक है? एक लड़के ने खूब मेहनत की, बहुत मेहनत की, और लास्ट में इंटरव्यू फेल हो गया। ही गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन द प्रीलिम्स एंड आफ्टर वन और टू मंथ्स ही अगेन स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द मेंस एग्जाम, ठीक है ना, एंड ओनली टू बी रिजेक्टेड इन द फाइनल इंटरव्यू। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये ओनली का जो आपका लास्ट सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से आप प्रयोग करते हो, टू बी है तो वब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ठीक है आपका, और अगर वब की फॉर्म है तो फिर टू बी की जगह लगाने की जरूरत नहीं है आपका, ओनली टू फेल, ठीक है ना आपका, इन द फाइनल राउंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है ना, ही स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, ओनली टू फेल एंड ऑल्सो पास दी, नहीं इंटरव्यू तो खैर बाद में होगा, ओनली टू फेल इन द ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में फेल हो गया। आई होप कि आपको समझा पाया मैं, फिर आगे चलिए आप, बहुत सारे हैं, टाइम लगेगा, जल्दी कीजिए इसको। ठीक है, द किडनैपर्स टुक हिम टू अ डैश प्लेस एंड डैश हिम। अब देखिए पहले में क्या आएगा, किडनैपर्स हैं तो कैसा जगह लगेगा वो, एकांत सुनसान है ना, तो उसके लिए क्या बड़ा आपका उसमें, डेसोलेट भी है, लोनली, मैंने कहा ना वोके पे अच्छी होनी चाहिए, डिसोल्यूट नहीं हो सकता है, डिसोल्यूट का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, बल्कि ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, डेसोलेट और डिसोल्यूट, डिसोल्यूट लाइफ होती है विच इज इमोरल, वहाँ आप औरतों के पीछे भागते हो और दारू पीते हो, जुआ वगैरह खेलते हो, ऐसी लाइफ इज कॉल्ड अ लाइफ ऑफ डिसोल्यूशन, ये भी आपको मैंने शायद आगे बताया है, आएगा आपको। ठीक है, तो डिसोल्यूट तो बिल्कुल आएगा नहीं, अगर आपका इसका अर्थ आता है तो आपको इसको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। कोई जगह र्यूनस है तो इसका मतलब खंडर है, वो हो सकता है, र्यूनस प्लेस हो सकता है, लेकिन फिर उसको वहाँ जाके एडवाइस थोड़ी करेगा, तो ये दो ऑप्शन कट गए आपके, बी और डी, ये कट गया, ये नहीं आएंगे, पॉइंट ये नहीं आ सकते आप कते। अब इसमें दोनों में शब्द पहला वाला बिल्कुल प्लेस के साथ में फिट है, डेसोलेट का होता है लोनली, एकदम एकांत जगह में लेके गए, सुनसान जगह पे, लोनली ठीक है, लेकिन लोनली जगह में ले जाके उसको खुश थोड़ी करेंगे, चेयर नहीं ना, तो आपका बीहेडेड हो गया, तो बीहेड का होता है आपका, अगर आपको आता है ये तो एक सेकेंड लगेगा आपको ठीक करने में, ठीक है, बीहेड का सर कलम कर दिया, तो किडनेपर्स ने उसको, जिसको किडनैप किया था उसको एक सुनसान जगह में लेके चले गए, उसके गर्दन कलम कर दी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें शब्दों का प्रयोग भी है और बाकी चीज़ों का प्रयोग भी है, लेकिन तरीका भी आपने अपनाना है और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है।
आगे देखिए आप, ही वॉज लिविंग अ लाइफ ऑफ डैश, हिज डैश लाइफ मेड हिम अ डैश। देखो इसमें बच्चों, अगर आपको ये पता है कि ये अगर सारे शब्द देखो आप, डिबोचरी, डिसिपेशन, डिसोल्यूट, सेवांत, डिबोची, ऑर्जी, डिबोचरी, सेंटली, सेंट, देखो एक तो ये बिल्कुल मैच नहीं करे, डिबोचरी और सेंट और सेंटली, तो डी ऑप्शन तो कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस ऑर्जी ऑफ लाइफ ये कोलोकेट नहीं हो रहा, अदर डिसोल्यूशन तो ठीक है, वॉज लिविंग अ लाइफ ऑफ डिसोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, यानी वो एक इमोरल लाइफ जी रहा था, लेकिन इस ऑर्जी ऑफ लाइफ नहीं, ये नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। मेडियम डिबोची, ये डिबोची आ सकता है, अगेन डिबोची वो आदमी होता है हु इज इन्वॉल्व इन या स्टीप्ड इन डिबोचरी, ये फ्रेज भी काम आएगा, बी स्टीप्ड इन डिबोचरी, स्टीप का मतलब भरावा, पूरी जिंदगी में आपका वही काम करता है, दारू पीता है, औरतों पीछे भागता है, ठीक है ना, अगर मैं आपको कहूँ इस लाइफ इज स्टीप्ड इन डिबोचरी, तो बहुत सुंदर बढ़े, तो अपने इंग्लिश को बढ़िया बनाए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड का बनाए उसको, ऐसी सीजन जैसे एग्जामर बैंक के एग्जाम में तो ऐसे आपके ऐसे ही फिलअप आएंगे, तो आपको ध्यान से करना होगा, ये दो तो कट गए ना बच्चों। अच्छा देखो आपका, अगेन अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपके वोकैब ठीक है, तो सेवांत और डिसिपेशन का कोई आपस में लिंक नहीं है, सेवांत तीन शब्द हैं ये, सेज, सेवांत एंड सेंट, ये नामी ग्रामी लोगों के लिए किए जाते हैं जो साधु संत होते हैं, वो उसका देखो एक तो सेंट है, और तीनों ऐसे शुरू होते हैं, या सेज है और या फिर वो सेवांत है, ये तीनों ऐसे वर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर किसी को अगर आप कह रहे हो ही इज ए सेवांत और सेंट और संत में कोई खास फर्क है नहीं, तो ये बहुत बड़े संत हैं, ये बहुत ज्ञानी आदमी है, सेवांत वो होता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, और कई लोग कहते हैं कि त्रिकालदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी जिनको पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का भी ज्ञान हो, बोलते नहीं है, बताते नहीं किसी को, अलग बात है, सेज तो आपको पता ही, सेंट होता बहुत बड़ा, तो ये इसका बैठता नहीं, तो अपने आप आपका सेंटेंस ये आपका ए ठीक हो गया, तो हमको इसमें ये भी करना आना चाहिए, एलिमिनेशन, अब इसको पढ़ो देखो, ही वॉज लिविंग अ लाइफ ऑफ डिबॉचरी, ये अकेले भी आपके काम का आ सकता है, इफ समबडी इज लिविंग अ लाइफ ऑफ डिबॉचरी, ठीक है ना, आपका ही इज ड्रिंकिंग एंड डूइंग ऑल काइंड ऑफ इमोरल थिंग्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एंड हिज डिसोल्यूट लाइफ, मैंने आपका ऊपर बढ़ाया था ना डिसोल्यूट अभी, तो आपके अगर किसी वापस ऊपर क्या है, यहीं पर तो आई है डिसोल्यूट, ठीक है, तो इफ समबडी इज लाइफ इज डिसोल्यूट, इसका मतलब उसकी लाइफ इमोरल है, ये सब काम वो करता जो मैंने आपको बताया, हिज डिसोल्यूट लाइफ मेड हिम अ रैक, नाउ रैक इज अ पर्सन जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है फिजिकली, मेंटली, पैसे से, ही इज अ रैक, ठीक है आप, तो ये अपने आप ही ऑप्शन ठीक हो गया, आप एलिमिनेट करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, और ये जो इसलिए मैं कह रहा था सारे कोलोकेशन से आपको, ठीक है, आफ्टर दिस डिजीज इज ही हैज बिकम अ रैक, और रैक का मतलब टूटना भी होता है, ध्यान आपका, रैकेज का मतलब मलबा होता है, ठीक है, ये सब आने चाहिए वर्ड्स आपको, तभी तो कह रहा हूँ वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी जरूरी है, ठीक है, और ये तो कोलोकेशन बहुत शानदार, ही वॉज लिविंग अ लाइफ ऑफ डिबॉचरी, हिज डिसोल्यूट लाइफ मेड हिम अ रैक, ठीक है, एंड इफ समबडी इज रैक, ठीक है ना आपका, उसकी हालत बहुत बुरी है हर लिहाज से, चाहे फिजिकल सेंस में, मेंटल सेंस में, मॉरल सेंस में, और दिखने में भी, दैट्स राइट, दिस कॉल्ड रैक, रैक, मैंने आपको बताया इस रैक का मतलब बर्बाद करना भी होता है, ध्यान आप, हीरा रैक, और इसका मतलब मलबा भी होता है आपका, मैं वही बताता हूँ आपको जो इसका अर्थ है, पूरी तो एंट्री करके मतलब है नहीं बताने के लिए, हीरा रैक, इसलिए आप लोगों को कहता हूँ आपका, आप कहीं भी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, जो सब सीखते हो उसको एक बार डिक्शनरी में जरूर देखने का प्रयास करो, बहुत कुछ सीख सकते हैं। Someone who is in a bad physical or mental condition. एक आदमी ने खूब दारू पिया, दारू पिया, दारू पिया, दारू पिया, दारू पिया, तो क्या बोलोगे उसको, ठीक है ना आप, कि he drinks so much that he has become a wreck.
इतना पीता है कि वो पूरा रैक हो गया बैड फिजिकल और मेंटल कंडीशन में, शक्ल भी पता लग जाएगी आपका। आई होप कि क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। आज मैं आपको केवल 10 कराऊंगा और बाकी के बाद में फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इफ इज एबल टू पुल दिस डील फॉर हिज कंपनी ही विल गेट अ डैश इन हिज करियर। अब डील का मतलब सौदा होता है, सौदा में कामयाबी के लिए अगर फ्रेज आपको आता है तो सीधे नजर आपकी यहीं जाएगी पहले। इफ ही इज एबल टू पुल अप दिस डील, हाँ नहीं पुल अप का मतलब किसी को डांटना होता है, जी नहीं पुल ऑफ, ध्यान रखना आप, पुल ऑफ ए डील का अर्थ होता है टू सक्सेसफुली कंक्लूड अ डील, किसी डील को सौदे को सफलतापूर्वक कर लेना। और आगे आपका वर्ड बड़ा अच्छा आ रहा है बूस्ट, तो उसकी कंपनी का है, सौदा कर रहा है, उस सौदा का उसने अपना बिठा लिया है, तो डेफिनेटली अपने करियर में उसको बूस्ट मिलेगा और बूस्ट भी बड़ा आपको आना चाहिए, बूस्ट का मतलब बढ़ोतरी, तो आपको आराम से हो जाएगा, पुल इन हो नहीं सकता आपका। अगर मैं आपको इसके पेट निकला, मैंने कहा पुल इन योर टमी, तो पेट को अंदर खींच लो, पुल अप कर लो किसी की डांट लगाना, माई फादर पुल्ड मी अप यू नो फॉर दिस मिस्टेक, तो आपका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा सी, ठीक है। और शायद बॉस ने कहा भी होगा आपको उसको कि अगर इफ यू आर एबल टू पुल ऑफ दिस डील आई विल गिव यू रेज, तो मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, आई विल गिव यू प्रमोशन, वॉट एवर जो भी आपका है ना। आई हैव टेकन अ वाव, वाव का मतलब होता है कसम खाइए, नेवर, ये इसमें देखो आपका idiom का प्रयोग है, ये अगर आपको आता है तभी होगा नहीं तो नहीं होगा। एक चीज बता रहा हूँ आप देखो, सेट फुट कर तो पाँव रखना, लेकिन इसका मीनिंग फिगरेटिव है, सच मुच का नहीं है, नीचे आपका अरिकटिव पॉइंट के नहीं। सेट फुट एक आपका idiom है, इसका तो कहीं किसी जगह पर पाँव रखना या किसी से कोई संबंध रखना, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाना, ये बता रहा हूँ आपको, मैं इसको आपको डिक्शनरी में दिखाता हूँ भैया, बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं, ठीक है। सेट फुट, पता नहीं कहाँ मिलेगा ये, ढूंढना बड़ा मुसीबत वाला काम है यार एक तो, चलो ढूंढते हैं देखते हैं। सेट अ फुट नहीं होता, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान रखना है, सेट अ फुट नहीं, सेट फुट, और इसका मतलब सचमुच पाँव रखना नहीं होता है। एक मैं आपको जोक बना हुआ वो सुनाता हूँ, एक लड़के के अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, कसम गाली है मैं तेरे घर में कभी पाँव नहीं रखूँगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, फिर उसने याद किया यार मैं ये मिल नहीं रहा मेरे को, मैं ढूंढता हूँ, जितने कहानी सुन लो आप, पैसे जरूरत पड़ गई, तो उसने कहा पैसा तो दोस्त ही देगा मेरे को, आपको कोई तो देगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने कसम भी खा रखी है कि मैं तेरे घर में पाँव नहीं रखूँगा। तो वो किसी के कंधे पे बैठ के दोस्त के घर चला गया, कह यार बहुत पैसे की जरूरत है भाई, उसने कहा तेने तो कसम खाई थी, यू विल नेवर सेट फुट इन माई हाउस, मेरे को मिली नहीं रही, तो उसने कहा कसम तो खाई थी मैं, मेरे पाँव कहाँ हैं, मैं तो दोस्त के कंधे बैठ के आया हूँ। अब आप समझ गए नहीं समझे आप, ठीक है ना, ये फ्रेज है सेट फुट का, मेरे को मिल नहीं रहा, मैं कभी आपको और बता दूंगा, ठीक है। नहीं ये है ना सेट फुट इन समवेयर, अब इस फ्रेज में नहीं मिल गया, मिल गया, इस फ्रेज में फुट के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि idiom है ये, सेट अ फुट नहीं होता है, सेट फुट इन समवेयर, आई विल नेवर सेट फुट इन योर हाउस अगेन, आर्गुमेंट पॉइंट। तो अगर आपको ये फ्रेज आता है तो ये अपने आप आपका आराम से ठीक हो जाएगा, आप फुट का प्रयोग तो करते नहीं यहाँ पर आपका, और ये आपका गलत हो गया, इस फ्रेज में इस idiom में इसके फुट के आगे आर्टिकल नहीं लगाना, एंड सेट अ स्टेप कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब फुट का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है ना, a foot means going on, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना प्रिपरेशन आर अ फुट, ये भी आता, ये भी तो आना चाहिए, कहीं और काम हो जाएगा। फॉर दिस इवेंट, इस इवेंट की तैयारियां चल रही हैं, ये इसका मीनिंग होता है।
अब फुटवर्ड भी आना चाहिए आपको, हर एक चीज को डिक्शन में दिखाऊंगा आपको, कैसे काम चलेगा यार। प्रिपरेशन चालू होना, दिस राइट, तैयारी चल रही है, फटाक से देखो अभी दो और करो फिर आपका बहुत टाइम हो गया है, 40 मिनट का वीडियो हो गया है ना। देखो आप क्या लिखा हुआ, फुट का एडजेक्टिव है हैपनिंग और बीइंग प्लान, देखो सेंटेंस पढ़ लो, देर आर प्लान्स अफुट, यानी प्लान्स की तैयारी है काहे के लिए, टू लॉन्च अ न्यू रेडियो स्टेशन, इसलिए मैंने सेंटेंस दिया आपको कि प्रिपरेशन आर अफुट, आर आपका लिंकिंग वर्ब है ना, तो एडजेक्टिव आएगा अफुट फॉर दिस इवेंट, इस इवेंट के लिए तैयारियां चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, मैं 10 ही करा रहा हूँ अभी, आपको नहीं करा रहा हूँ, ध्यान रखना। टेम का मतलब पालतू बनाना है ना, ही टेम्स एनिमल्स बिकॉज ही सेल्डम लव्स देम, अब इसमें लॉजिक है और कुछ नहीं है, इज अफ्रेड ऑफ देम, इज फॉन्ड ऑफ देम, वॉन्ट्स टू सेट देम फ्री, ये जानवरों को टेम करता है यानी उसको पालतू बनाता है, इसमें कौन सा रीजन आपको उचित लग रहा है कि उनको प्यार नहीं करता है, प्यार नहीं करता तो उनको फिर पालतू बनाने का मतलब क्या हुआ, पालतू बने बनेंगे तो घर में रहेंगे, उनसे डरता है तो उनको आप पालतू क्यों बना रहे हैं, वांट्स टू सेट देम फ्री, उनको अगर वो फ्री छोड़ देना चाहता है जंगल में या कहीं भी, तो ये लॉजिक पर आधारित है, आप किसी कोई आदमी किसी जानवर को टेम कर रहा है क्योंकि वो उसको उसको शौक है, उसको अच्छा लगता है वो जानवर, तो फॉन्ड आ जाएगा, ये लॉजिक पर आधारित है फिल्म द प्लान। तो मैंने आपको सब तरह के देने की कोशिश की है, ठीक है। अब 10वें पाओ, जॉनी वेयर आर यू, ये भी एक लॉजिक है, जॉनी कहाँ हो तुम, तो जॉनी क्या कहेगा, देखो उसने वो आगे लिखा हुआ है अप दिस ट्री, तो क्या कहेगा, दिस ट्री, दिस जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो नजदीक के लिए होता है, नजदीक किताब है तो बोलोगे दिस इज माई बुक, दूर है तो क्या कहोगे, दैट इज योर्स, दिस इज माई बुक, दैट इज योर्स, है ना, तो इसमें ये लॉजिक है, तो दिस क्या है, नजदीक के लिए ना, तो नजदीक के लिए आप हेयर लगाओगे, देर लगाओगे, तो आप हेयर लगाओगे और क्या बोलोगे, हेयर आई एम, है ना, ये कहोगे हेयर एम आई, तो कहोगे नहीं आपका, ये तो क्वेश्चन हो गया, देर का आप प्रयोग करोगे नहीं दोनों रूप में, तो सी और डी कट गए, और ए इसलिए ठीक है क्योंकि इसका सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, ऐसे बोलते हैं अपने, हेयर आई एम, हेयर एम, हेयर एम आई नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है आपका ना, तो ये बी गलत हो गया, तो आंसर हो गया आपका ए, थोड़ा घर में इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग विचार भी करना, ठीक है ना, आप बच्चों, तो उससे आपको पता लगेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, आई होप कि आपको समझ आ गया ही कि नहीं आया, ठीक है, और ये इसके बाद में ये 25 तक है तो 11 के बाद में आपको कराऊंगा, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा सेशन, पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें यार, है ना आपको, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन तक पहुँच जाए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।